सात साल में सोनिया जी के कार्यकाल में 1.92 लाख खर्च हुआ मनरेगा पर, और मोदी जी के सात साल कार्यकाल 5 लाख करोड़ खर्च, उनके कार्यकाल में मनरेगा में बहुत बोल थे, मनरेगा बदनाम, मोदी ने जॉब कार्ड होल्डर मजदूरों के खाते में पैसा देने का काम किया, एसेट क्रिएट किया, जियो टैगिंग किया, इसलिए मनरेगा डिमांड ड्रिवन है। देखिए मनरेगा एक परमानेंट रोजगार का नहीं है, मनरेगा है तो कोई भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति, रोजगार नहीं मिलता है तो रोजगार मांगेंगे और उन्हें रोजगार देने का, पाने का अधिकार है, देने का काम राज्य सरकार अधीनस्थ व्यवस्था को है। और भारत सरकार जब 2013-14 में आया था तो मनरेगा का बजट केवल 33,000 करोड़, जिसको बी कहते हैं बजट का एक्सपेंडिचर, और आरी कहते हैं रिवाइज एस्टीमेट, तो नए आरी भी था 33,000 करोड़, बी भी था 33,000 करोड़। लेकिन जब सात साल का आप देखेंगे, सोनिया जी ने जीरो आवर में उठाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ से उन्होंने तथ्य से परे चीज़ों को लेकर के रखा। अब हम जवाब तो लिखित उनको देंगे। सात साल में सोनिया जी के कार्यकाल में 1.92 लाख खर्च हुआ मनरेगा पर, और मोदी जी के सात साल कार्यकाल 5 लाख करोड़ खर्च, उनके कार्यकाल में मनरेगा में बहुत होल थे, मनरेगा बदनाम था, मोदी ने जॉब कार्ड होल्डर मजदूरों के खाते में पैसा देने का काम किया, एसेट क्रिएट किया, जियो टैगिंग किया, इसलिए मनरेगा डिमांड ड्रिवन है, जो भी राज्य जितना। लेकिन हम आर्थिक अनुशासन को लागू कर रहे हैं, आर्थिक अनुशासन के घेरे में जो नहीं आएंगे उनके लिए कठिनाई।